ये जो येलो पार्ट है जो मोहेबल पार्ट है दैट मोहेबल पार्ट इज कॉल्ड एज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल ब्लैक या स्टेडी पार्ट जो है वो है तुम्हारा वो है तुम्हारा मेन स्केल पार्ट समझे क्या तो ये तो ये मोहेबल पार्ट जो है ये मोहेबल पार्ट में ये अपना ऑब्जेक्ट ऐसा पकड़ते रहते अब ये कितना भी क्यों कि हाइट का होता का होता साइज का होता, लेकिन मैंने यहाँ पे रख दिया अब ये येलो पार्ट जो है उसमें जो देखना पड़ता वो देखना पड़ता है मैं सारा नहीं, कल आपने बहुत इसका एक्सपीरियंस करके लिया था मैं आज आपको लोग आप लोगों को पूछता हूँ कुछ दो चार रीडिंग्स इधर उधर घुमा के आप लोग बताएंगे लेकिन मैं इसका जो आ, पार्थ है ये हाँ ये तुम्हारा आंसर आंसर भी ऑफ हाँ आप देखेगा तुमको तुम्हारे आंसर खाली राइट दोस्तों करना क्या है बताता हूं मैं आप लोगों को एम एस आर वी एंड वी एस आर देखना दो काम करना मतलब एडिशनल अपना काम दो मतलब चार कॉलम करने रहते हैं एम एस आर वी सीडी ऑब्जर्वेशन की बात है वी एस आर एंड टोटल रीडिंग ये कैलकुलेशन की बात एंड देयर फोर आई विल टेक दिस हेयर नाउ आई विल आस्क यू व्हाट इज यम एस आर वी सी डी वी एस आर एंड टोटल रीडिंग ऐसे दो काम तुम बताएंगे अभी वर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द लाइन जस्ट बिहाइंड दीरो मार्क हरियप रिस्पॉन्ड प्लीज अनुराधा घाटूड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेन स्केल रीडिंग इंतलब वट इज द क्या ये तुम आंसर देते हैं देते हैं मतलब मुझे दिखाई दे रहा है चलो 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 हाँ बताओ जीरो झीरो लेफ्ट साइड चा लाइन की किमत जीरो मार्क चा लेफ्ट साइड की मत शुड आई शो यू एक बार पहले बताता हूं आप लोगों को मैं ये देखो ये वाली लाइन इस लाइन की कीमत हाँ आंसारी ने बोल दिया दूसरे ने बोला होगा लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दिया था वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन वन पॉइंट बहुत सारे ने बता दिया बहुत सारे नहीं ज्यादातर बाकी के लोगों ने क्यों नहीं बताया रहे बाबा? बाकी के लोग पलक मुंदड़ा के बाद बाकी के लोगों को समझ में नहीं आया ये देखो उधर का वन है इधर का वन है ये ये यहां तक और उसके आगे एक डिवीजन तो है मतलब 1.1 सेंटीमीटर ये आया है तुम्हारा 1.1 अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है दोस्तों मतलब कौन सी लाइन कोइंसाइड होती है वर्नियर स्केल की यस इट इज फाइव 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 यस इट इज फाइव अब ये दोनों हो गए ऑब्जर्वेशन का काम दो अभी डिविजन बाकी सॉरी दो कॉलम बाकी वो है कैलकुलेशन का काम तो वी एस आर कितना होता, VCD into LC, ये होता है पॉइंट जीरो और टोटल रीडिंग कितनी होती टोटल रीडिंग होती है वन पॉइंट वन फाइव हो गई क्या मान गए ये अंडरस्टूड दिस गॉट इट अब देखो मैं इसे ऐसा खींचता हूं और यहां पे ऐसा पकड़ता हूं चलो अब बताओ आर मानो ये तुम्हारा साइज होगा भाई इतना इतना ऐसा बड़ा होगा ये हाँ इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है चलो व्हाट इज आर एम एस आर जल्दी 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 इतना समय क्यों रे इतना समय क्यों रे अरे कुछ आंखें खराब हो गई क्या वन पॉइंट नाइन आंसर देने वालों मैं जीरो मार्क के सामने वाले लाइन की नहीं कीमत पूछ रहा हूं पिछले वाले लाइन की समझे क्या तो यम एस आर है वन पॉइंट तो 1.8 है अब फिर उसके ये बताओ ना वीसीडी वीसीडी बताओ वीसीडी बताओ सेवंथ है सेवंथ है किसको दिख रही है सेवंथ किसको दिखती रही वो सेवंथ हम्म हाँ आंसर है यार एट्थ लाइन है ना वो सीधी सीधी दिखाई दे रही है, वो क्यों ऐसा करते है सिंपल अच्छा आप लोगों को प्रैक्टिकल करना नहीं लेकिन समझ में आया तो बड़ी बात थोड़ी है सो so, एट्थ लाइन कोइंसाइड होती है दो अब कैलकुलेशन की बात है तो लिस्ट कौन से मल्टीप्लाई करो वी एस आर लाओ वी एस आर होगा जीरो पॉइंट जीरो एट और टोटल रीडिंग मतलब ये दोनों के एडिशन ये होता है वन पॉइंट डबल एट सेंटीमीटर वाह समझ में आया जला कोनाला समझला नाही या रीडिंग पे के सांगा बर कोना साडे सांगू मी के सर माला मला समजला नाही म्हणून विचारा किसी को तकलीफ नहीं है खाली समझने में तकलीफ नहीं है तो फिर दिखाने में देखने में तकलीफ है क्या चलो ये और एक प्रॉब्लम होगा इसको हटा देंगे बाजू को और ये ऐसा इधर चलो बोलो एम एम एस आर एस आर बोलो एम एस आर क्या होता है <laughs> आप दिक्कत आई होगी बहुत सारे को नहीं क्या हा किसके आगे किसके पीछे कुछ भी नहीं उसमें तो वो तो है थ्री पॉइंट टू कोइन डिवीजन क्या है प्यारे दोस्तों को डिवीजन डिविजन बताओ दो लाइन कोइन दिखते हैं तुम्हें वो जीरो वाली और टेंथ वाली लेकिन जो पहले दिखती उसको देखना अरे समझता क्या क्या तुम्हें जीरो लाइन क्विंट हुई ऐसी लगती क्या तुम्हें टेंथ लाइन भी क्विंट हुई ऐसा लगता तो ये लाइन यहाँ पे रख देना ये जीरो फिर एम एस आर सॉरी वी एस आर कितना हुआ जीरो पॉइंट जीरो जीरो, जीरो पॉइंट जीरो वन था ना वो <laughs> जीरो पॉइंट जीरो वन था ना तो डबल जीरो किस लिए लिखा मैंने ये एडिशन करके आप लोग थ्री पॉइंट टू नहीं लिखेंगे आप लोग थ्री पॉइंट टू जीरो लिखेंगे रीडिंग कितनी थ्री पॉइंट टू जीरो एंड नॉट थ्री पॉइंट टू याद है समझ में आया पक्का पक्का थ्री पॉइंट टू नहीं थ्री पॉइंट टू जीरो क्योंकि

एम एस आर बताओ हाँ अरे पॉइंट फाइव कौन बताया रे कौन है वो कौन है वो बदमाश दर्द देखने दो कोई तो भाई एक पॉइंट फाइव वाला क्या मुझे चलते चलते दिखा वो सिक्स का फाइव नहीं जीरो पॉइंट सिक्स ही है सब लोग <laughs> सब लोग जीरो पॉइंट सिक्स है कुछ लोगों ने दिया नहीं है लेकिन है वो जीरो पॉइंट सिक्स सब हाँ तो एम एस आर है जीरो पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर सीडी वीसीडी कितना यस इट इज यस इट इज ये है सेवन अब मैं वी एस आर नहीं पूछता हूं डायरेक्ट पूछता हूं टोटल रीडिंग कितनी है टोटल रीडिंग जीरो पॉइंट सिक्स सेवन गॉट इट हा हा अब मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा वर्नियर सॉरी स्क्रू गेज के बारे में स्क्रू गेज जो है स्क्रू गेज जो है ये ये देखो मैं अगर इसे पहले तो बंद कर देता हूं पहले तो बंद करता हूं यहां पर कहा बंद करूंगा क्या ऑन ऑफ है यहां जीरो रखेंगे ये अच्छा चल रहा था मैं जब करके देखा तो ठीक है आप लोगों को ये देखो मैं जीरो पे रखता हूं पहले हा जस्ट वेट सी नाउ माइ जीरो मार्क इज ऑन द रेफरेंस लाइन जीरो मार्क अभी रीडिंग कितनी आपको पीच ऑफ द स्क्रू पहले समझाता हूं अभी जीरो है दस के आगे जो छोटा सा एक डिवीजन था उस डिवीजन पर है अपना सर्कुलर स्केल स्क्रू का जो रेफरेंस लाइन है वो बिल्कुल वो डिवीजन पर है नाउ आई एम रोटेटिंग दिस स्क्रू बाय वन रोटेशन सी आगे आगे लेकर जा रहा हूं मैं उसे देखो आगे आगे लेकर जा रहा हूं मतलब आगे 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 फिर भी अभी तक ज़ीरो नहीं आया है जब ज़ीरो आएगा तब देखो ये अपनी सर्कुलर स्केल मतलब स्क्रू कितना डिस्टेंस से एडवांस हुआ कितने डिस्टेंस से एडवांस हुआ कितना डिस्टेंस आगे चलेगा एक डिवीजन इसका मतलब है पीच ऑफ द स्क्रू एक डिवीज़न है पर व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न यू में सी हेयर दिस इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर एंड वो वन सेंटीमीटर जो है वन सेंटीमीटर में वन सेंटीमीटर में है बीस डिविजन है कैन बीस डिविजन देखो आर देयर ट्वेंटी डिविजन देअ फोर वन डिवीजन की कीमत है वन बाय ट्वेंटी सेंटीमीटर मतलब वन डिवीजन की कीमत दोस्तों जीरो पॉइंट जीरो फाइव ये हुआ तुम्हारा पीच ऑफ द स्क्रू नेहमी असाच असेल याची गारंटी नहीं कभी ते टेन सुद्धा सुधा एका सेंटीमीटर मध्य साधी मेन स्केल मटल कि टेन डिवीजन्स हा स्क्रूगेज थोड़ा सा एडवांस्ड है प्रश्न मांगा लगता, लगता कि वन जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम कर लिया था अब अब स्केल कितनी है जैसा कि मैं अब आप, आप लोगों को पूछूंगा मेन स्केल रीडिंग कितनी है तो आप लोग बताएंगे मुझे मान लो मान लो कि आपको अभी मेन स्केल रीडिंग पूछा है हाउ मच इज मेन स्केल नहीं पहले लिस्ट काउंट की बात करेंगे लिस्ट काउंट होता है मेरा लिस्ट काउंट होता है पीच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय पीच ऑफ द स्क्रू कितना इतना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने टोटल डिविजन देखो इधर अरे हाई क्या नहीं पचास थे क्या नहीं क्या फोर्टी फाइव तक ही <laughs> तो आप लोगों ने पहले फोर्टी फाइव बताया था आर देर फिफ्टी डिविजन और फोर्टी फाइव डिविजन फिफ्टी सो इसका लिस्ट काउंट आया है डबल जीरो वन सेंटीमीटर लिस्ट काउंट कितना जीरो पॉइंट डबल जीरो वन सेंटीमीटर इस वर्नियर कैलिपर मोर एक्यूरेट आर दिस स्क्रू गेज मोर एक्यूरेट विच वन अब बताओ स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट टेन टाइम्स मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर टेन टाइम्स क्योंकि एक डिजिट ज्यादा बीच में झुरो आ गया ना देखो ये नंबर में आए ना हाँ, हाँ। गेज का लिस्ट काउंट आपके पास आ गया है अब बारी है मेजरमेंट की कैसा मेजरमेंट करते देखिएगा पहले बताओ एम एस आर एमएसआर बताओ पहले आप अभी अभी जो रीडिंग दिख रही है वहां पर वो लिस्ट काउंट बताओ सॉरी बताओ वट इज यमएसआर मतलब जितनी मेन स्केल खुली दिखती वो एम एस आर कितनी दिखती है खुली कितनी दिखती क्या ये यहां तक दिखती पर वो अपन मेजर कहां तक कर सकते वन तक हेंस मेन स्केल रीडिंग इज वन सेंटीमीटर कितना वन पॉइंट जीरो भी नहीं लिखना बस वन सेंटीमीटर क्योंकि वो बोल नहीं सकते अपन वन सेंटीमीटर करेक्ट कौन सी डिवीजन हरीजेंटल लाइन पर मैच हुए वाली है कौन सी डिवीजन ट्वेंटी वन करेक्ट ये तो ट्वेंटी वन दिखाई देती है सो देर फोर इट इज ट्वेंटी वन मल्टीप्लाइड लिस्ट काउंट सर्क्यूलर स्केल रीडिंग ये सर्क्यूलर को मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट से जीरो पॉइंट जीरो टू वन हा अब टोटल रीडिंग इस नंबर की एडिशन ये होती है वन पॉइंट जीरो टू वन सेंटीमीटर अंडरस्टूड दोस्तों यस इट इज पक्का क्या हम अब इसे थोड़ा सा और खींचेंगे अच्छा मैं यहां पे खींचता हूं यहां पे रख दिया बस अब देखो बताओ मुझे एस आर बताओ मेन स्केल रीडिंग बताएंगे आप लोग जीरो पॉइंट फाइव राइट नंबर एकदम करेक्ट है जीरो पॉइंट फाइव क्या आप लोग सर्कुलर स्केल डिवीजन बताएंगे थर्टी सेवन ये बहुत आसान है ना हरिजेंटल लाइन से मैच होती है कैलिपर का तकलीफ देता था, था क्या <laughs> क्योंकि ये कोई भी गलत नहीं हो रहा है यहाँ पर थर्टी सेवन फिर लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी वो होता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन अरे शाही चाहता आंसर आला जीरो पॉइंट फाइव कितनी लेट नेट्यू करे जीरो पॉइंट फाइव अरे राजनंदिनी गलत हुआ राजनंदिनी गलत हुआ रे गलत हुआ रे राजनंदिनी एक जीरो जास्ती चाहिए बेटा फातिमा राइट यस 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 मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ हो गया हाँ साहिर का तो वीडियो चालू रखता था ना इसलिए ज्यादा तेरा नेट चलेगा तू तेरा वीडियो चालू रखेगा तो नेट ज्यादा तेरा लॉस होगा इसलिए मैंने बोला बेटा तेरा वीडियो चालू रखे कुछ फायदा तो है नहीं क्योंकि तेरे स्क्रीन को कौन देखने वाला है, <laughs> है ना सोपान तिर्थे झिरो पॉइंट फायव्ह थ्री नाईन सेव्हन ला कुठं घेऊन जातोस सोपान तिर्थे हा हॅलो हाँ तो ऐसा है दोस्तों ये हम्म अब और मैं उठाऊंगा ऐसे और एक बार अरे नको ना ये ऐसा होना चाहिए तो ये मैं ऐसा ले जाता हूं चलो अब बोलो एम एस आर एम एस आर बोलो अब एमएसआर बताएंगे लास्ट रीडिंग है आपके बताने की चलो बोलो जल्दी सब लोग बोलो जल्दी सब लोग सचिन शिंदे इज करेक्ट क्या बात है सचिन वेरी गुड बाय अरे एक डिविजन, वरती? एक डिविजन, the... डिविजन की स्केल वॉट इज डिवीजन की किमत कितनी बाबा जीरो पॉइंट जीरो फाइव है क्या नहीं ऐसे कितने डिविजन दिखाई दे रहे तुम्हें आगे कितने दे रहे ये तो तीन दिखाई देते तो टेन पॉइंट सॉरी टेन के आगे तीन डिवीजन मतलब वन सेंटीमीटर जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव देखो देखो तो ऐसा एक इधर ये ऊपर नीचे बताओ क्या मैं ऐसा बताता ये 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 ये, ये, ये है गा नहीं मान लो ये वन है तो इसकी कीमत होगी वन पॉइंट जीरो फाइव इसकी कीमत होगी वन पॉइंट वन जीरो इसकी कीमत होगी वन पॉइंट वन फाइव इसकी कीमत होगी वन पॉइंट टू जीरो वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट थ्री जीरो थ्री फाइव फोर जीरो फोर फाइव और ये वन पॉइंट फाइव वाला इसका मतलब है हमारी मेन स्केल रीडिंग है one point one five. क्या सबको समझ में आ गया अभी one point, अरे बाय चांस नीट में या जे अभी जे तो कोई है नहीं लेकिन नीट पे क्या मैं फिगर दे सकता कि नहीं डायरेक्ट इमेज डाल सकता हूं ये डायरेक्ट ऐसा इमेज डालूंगा और बताओ मेन स्केल रीडिंग ऐसा पूछूंगा बताओ मेन के रीडिंग ऐसा बिल्कुल जीरो के बाद अगर जीरो के बाजू में फोर्टी फाइव दिखाई देता ना तो उसको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं ना तुम्हें टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है वो बताने की जरूरत है ना पीच बताने की जरूरत है ना ये डिवीजन की वैल्यू बताने कुछ भी जरूरत नहीं डायरेक्ट ये फिगर इज सफिशियंट मोर देन सफिशियंट तो कितना होता है इसका पीच पीच मतलब वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल पीच का मतलब इधर वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल वो तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव है नंबर ऑफ डिवीजन दिखता है वहां पर वो पचास क्योंकि जीरो से पहले फोर्टी फाइव है तो फोर्टी फाइव के बाद में जीरो आता मतलब पचास हो जाए हो गया वो ऐसा है अब डिवीजन कौन सी डिवीजन कौन सी सर्कुलर स्केल डिवीजन इसका मतलब जीरो पॉइंट जीरो डबल फोर है तुम्हारा सर्कुलर स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग कितनी फिर मेन स्केल रीडिंग आएगी वन पॉइंट वन नाइन फोर वन पॉइंट वन नाइन फोर यस इट इज करेक्ट है बाबू बाबू बिल्कुल करेक्ट है अंडरस्टूड दिस या सगळ्या रीडिंग अशा डिव्हाइसच्या आहेत की ज्याच्यात स्वतःचा एरर नाही म्हणजे स्वतःचा एरर झिरो एरर आहे बघा हे वरती इकडे हे झिरो एरर दाखवला किती तो किती झिरो पण आता झिरो एरर म्हणजे काय जर हे माहित नसेल तर त्यासाठी सांगतो बघा म्हणजे उदाहरणार्थ हा ऑब्जेक्ट आम्मी जर का आम्मी तो काड़ला ऑब्जेक्ट जीरो एरर बिल्कुल जीरो ची लाइन मैच होना कुछ मैच होना जीरो ला मैच होना चलना बाबा हाँ, ओके आगे के भाई झिरो लाइन इस इसिझेंटल लाईन पे हो गई याला म्हणायचं झिरो एरर झिरो आहे म्हणजे सुरुवातीचा एरर झिरो असच तुम्हाला वर्नियर कॅलिपर विषयी पण असेल दिसेल क्लियर अगर मैं ये बिल्कुल जमा कर देता जोड़ देता ऑफ कर देता तो क्या मेरा जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल क्या नहीं देखो मतलब इसका भी एरर जीरो एरर जीरो है अब मैं इसे मैं इसे मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो थोड़ा सा पीछे खींच लेता वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा सा आगे ढकेल देता जीरो एरर लेता थोड़ा सा मैं निगेटिव निगेटिव पॉइंट वन थोड़ा सा ज्यादा लियो क्या ऑब्जेक्ट ऑफ नको ऑब्जेक्ट हमारा टाइप अच्छा बदल दे थे बर हाँ ये देखो जस्ट मिनट जीरो एरर और ये क्यों नहीं आ रहा जीरो एरर था आना चाहिए था इसमें दिखना चाहिए था ये मेरी मेन स्केल है तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एनिमेशन होता था थोड़ा सा आसान जाता था बाकी कुछ नहीं लेकिन समझाऊंगा जरूर ओके अब देखो अगर मेरा ये जीरो मार्क यहां पर है किसका वर्नियर स्केल का और दसवा मार्क इधर है और पहली रीडिंग जो कोइनसेड हुई वो यहां पर है अभी ऑब्जेक्ट यहां पर जस्ट पकड़ा है पर जब वो बंद है तभी ऐसा दिखता है ऑब्जेक्ट रखा नहीं है बिल्कुल जहाज बंद है फिर भी ये जीरो की लाइन और ये जीरो की लाइन मैच नहीं होती है समझे क्या ये दोनों लाइन मैच होने चाहिए तो जीरो एरर जीरो है लेकिन अगर जीरो मार्क सामने है जीरो एरर सामने है तो अभी की रीडिंग कितनी है अभी तो तुम लोगों को कुछ एमएसआर दिख रही है ना कितनी है एम एस आर बताओ कितनी है दोस्तों भी जो दिखती हो वो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रखा है जहाज तो बंद है डिवाइस इज क्लोज और रीडिंग तो दिखती है तो वट इज एम एस आर एमएसआर बताओ दोस्तों दोस्तों एमएसआर बताओ जीरो है अब कितवी लाइन को इन हो गई पांचवी डिवीजन फिफ्थ लाइन को तो मेरी रीडिंग आ गई पांच वी सी डी और इसका लिस्ट काउंट तो है मतलब वी एस आर है जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो टोटल रीडिंग कितनी है टेल मी टोटल रीडिंग टोटल रीडिंग है जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर अब ये रीडिंग असल में है जीरो होनी चाहिए पर असल में है अभी कितनी जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब जब कभी आप इस डिवाइस से मेजरमेंट लेंगे मान लो नया मेजरमेंट का आज समय ऐसी पोजीशन है यहां पर अपनी जीरो मार्क है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और ये नौवीं लाइन को हो हुए ले मान लो ऐसा अच्छी डायग्राम ऐसा नहीं है वो अब मानना है सब आपकी एमएसआर कितनी दिखती है अब भी एमएसआर कितनी दिखती है बोलो करेक्ट है जीरो पॉइंट सिक्स वीसीडी कितना है वर्नियर स्केल डिवीजन या कोइंसाइडिंग डिवीजन नाइन है मैं ही बोल दिया फिर ये प्रोडक्ट आया और फिर रीडिंग कितनी आ गई रीडिंग आ गई जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सेंटीमीटर पर जो अभी जो दिखती है क्या वही रीडिंग असल है उस ऑब्जेक्ट की साइज है क्या जीरो पॉइंट सिक्स नाइन नहीं है तो जो दिखाई दी वो ज्यादा है असल से या कम है असल से जो दिखाई दी वो एक्चुअल रीडिंग से ट्रू वैल्यू से मोर है या लेस है इट इज मोर क्योंकि पहले से वो आगे जाके खड़ा हुआ है है ना पहले से ही वो आगे जा फ्रेंड्स तो इट इज एक्सेप्टेड ऑब्जर्व वैल्यू इज मोर देन ट्रू वैल्यू अब ये जो एरर है वो आप माइनस करेंगे या सपरेट सॉरी ऐड करेंगे गलत हुआ तो ये पॉजिटिव एरर है लेकिन आप माइनस करना पड़ेगा इसका मतलब है आप लोगों को एरर ऐड करना है तो ये माइनस करेंगे तो इस एरर को माइनस एरर बोला जाता मतलब मतलब समझ लो ये है पॉजिटिव एरर ही पर वो माइनस करना पड़ता एरर माइनस करना पड़ता रे रे है इतना ध्यान मान लो एरर हमेशा माइनस करना पड़ता है ये एरर कौन सा है पॉजिटिव एरर है इसका मतलब है जो ट्रू वैल्यू है उससे ज्यादा आ गई मतलब एरर पॉजिटिव आ गया गॉट इट तो करना है ये माइनस जो वैल्यू दिखती है अब वो माइनस करेंगे तो ट्रू वैल्यू कितनी है अब

निगेटिव एरर समझा कदाचित मी लिमिटेशन असेल मी कमी पड़े पुम्ही समझुन कस समझ बरल ये है जीरो एरर एक दो सॉरी जीरो मार्क तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच मतलब ये वन ये जीरो अब मेरा वर्नियर स्केल यहां है मेरा जीरो मार्क एक दो तीन चार पांच छ सातवी लाइन मेरी क्विंटाइड है आठ नौ दस मेरी ये सातवीं लाइन क्विंटाइड है अब बताओ आपको इसकी रीडिंग लेना है तो क्या लेंगे एमएसआर कितना एस आर कितना हेलो, नहीं आवाज सुने दे रहा मेरा एमएसआर तो जीरो है दोस्तों असल में आप माइनस बोल सकते हैं लेकिन जीरो है वी कितनी है कोइंसाइडिंग डिवीजन जल्दी करो पांच ही मिनट है मेरे पास सात है डिवीजन से, से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी एस आर है टोटल रीडिंग आ गए मेरी इतनी पर ध्यान पर, पर, रखो अब अब मैं बोला था कि समझना दोनों तरफ से होना चाहिए समझाना समझना जीरो पॉइंट जीरो सेवन या पाठीमागे पाठीमागे जर कधी माइनस वन लाइन आती तो है पुढ़ इतक है का जीरो मागे है। ये जो जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो के पीछे है या जीरो से पिछले लाइन से आगे है माइनस वन के आगे ही इतना क्या जीरो लाइन के पीछे है इतना ये आगे की बात है क्या पीछे की बात है ये जे जीरो पॉइंट जीरो सेवन रीडिंग आली माइनस वन या कॉन्टेक्सट मध्य का जीरो चा कॉन्टेक्स्ट मध्य आली तीन लोकांनी आपलं उत्तर दिलंय एक झिरो म्हणताय एक मायनस वन म्हणताय चला लवकर फटाफट हे जे झिरो पॉईंट झिरो सेवन आहे हे झिरोला रेफरन्स धरूनय का मायनस ला रेफरन्स धरून आहे दोन्ही आन्सर्स आहेत बरं मी आता काय करतो मग मी जरा आपला वर्नियर कॅलिपर जे करेक्ट आहे त्याला थोडासा ऍडजस्ट करतो समजा असं गृहित धरू की एक म्हणजे आपलं झिरो आहे बर का एक म्हणजे झिरो आहे आणि मी एकच्या च्या पाठीमागे आता घेतोय आणि सातवी लाईन कोइनसेड करतो मित्रांनो सातवी लाईन कोइनसेड करतो मी आता तुम्ही सांगताल

वो जो आपको रीडिंग लेना है तो क्या लेते थे एमएसआर नहीं अभी जीरो मत मानो जैसे है वैसा अब रीडिंग बताओ बोला एम एस आर कितना है बोलो प्लीज 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 प्लीज, प्लीज इस केस में एमएसआर कितना है ट्रू है समझो ये अच्छा डिवाइस है इसकी एमएसआर कितनी है हेलो जल्दी जल्दी मेरे पास दो ही मिनट बाकी है पॉइंट नाइन सेंटीमीटर है जीरो पॉइंट नाइन है अब अगर तुम लोग इसे मानते जीरो तो ये जो डिवीजन अपनी आएंगी ये वन जीरो को कंसिडर करके या उसके पीछे वाले लाइन को कंसिडर करके जो एम एस आर लिया था ना हमने जीरो वो तो पीछे वाला का है ना जे माइनस वन कंसीडर कंसिडर कि नहीं करेक्ट है ओके okay. आता लाइन ही एक लाइन आमचा जीरो आहे इथे वर्नियर स्केल चूक झाली एरर से, का एरर टेल मी इस केस में एरर रहना कहां चाहिए था यहां पर तो एक्स गलती है या वाई गलती है वाई गलती है है ना मतलब ये जो रीडिंग दिखाई दे रही ना सात ये सात ये जीरो पॉइंट जीरो सेवन तो ये है या वाई है जीरो पॉइंट जीरो सेवन ये x है या वाई है जीरो पॉइंट जीरो सेवन ये एक्स है या वाई है यक्स है, करेक्ट पण आमचं एरर काय आमचा एरर वाय काय एरर वाय आम्ही मोजल काय आम्ही मोजल एक्स मग आता वाय काढायचं तर किती येणार हे टोटल किती असतं खूब गड़बड़ी मैं जरा तीन आ रोज कर कमी करतो। ये सग कमी हे जी, जीरो लाइन इतना हटवत ये टोटल कि संगता का जरा सफेद लाइन ले रहा हूं टोटल के लिए टोटल सफेद लाइन ये कितना है सफेद ये सफेद कितना है सफेद कितना है सफेद सफेद वन है वन डिवीजन है जीरो पॉइंट वन है बाबा जीरो पॉइंट वन है वो सफेद तो वाई कैसे निकाले जीरो पॉइंट वन माइनस तुम्हारा x तो कितना आया वो वो कितना है जीरो पॉइंट इतना पीछे है वो मतलब इतना माइनस है वो

ये मेरी इधर है ये असल में ये किधर है माइनस अगर एक एक डिवीजन की बात करता तो हाँ पर मेरी वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट लाइन कोड हुई है नो को, एट नो को, एट नो को, एट नहीं समझाने का मुझे एट नो को, मैं तीसरी चौथी लाइन ही बताने का है मैं कोशिश करूंगा कि भाई एक दो तीसरी लाइन ही को हो गई मेरी तीसरी लाइन अगर क्विंसाइड होती है तो निगेटिव एरर कितना है इसका पहले इसकी रीडिंग बताओ कितनी है इसकी रीडिंग बताओ टोटल रीडिंग बताओ अभी फाइनल टोटल फाइनल रीडिंग इसकी फाइनल रीडिंग कितनी तीर्थे के बाद मैं आंसर देख रहा हूं इसकी फाइनल रीडिंग कितनी है जल्दी फाइनल रीडिंग अरे कोई नहीं बता रहा है अरे भाई ये तो जीरो लेना पहले हमने है ना हाँ फाइनल रीडिंग जीरो पॉइंट जीरो थ्री है फाइनल दो संगल तरी पी जीरो तीसरी रीडिंग तीसरी डिविजन को टोटल रीडिंग ही एक से का वाय एक से का वाय इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री इज इट एक्स आर इज इट वाय इट इज एक्स इट इज एक्स पर गलती कितनी है इज एरर एक्स और इज वाय इज एरर एक्स और वाय एरर तो वाय है तो कैसे निकालेंगे फिर एरर वन माइनस सॉरी जीरो पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री कितना समझ आ गया इतना एरर माइनस करना है आपने रीडिंग में से और अगर रीडिंग होती है अपनी रीडिंग होती है मान लो रीडिंग होती है कितनी ऑब्जर्व रीडिंग बता रहा हूं मैं अभी आपको हा अब मैं उसे इधर ले रहा हूं किधर ये अपना डिवाइस ये हटाता हूं सब और ये मेरा ऐसा एक रीडिंग है ऐसी रीडिंग है भाई ये इट रीडिंग ये टोटल रीडिंग बताओ व्हाट टोटल रीडिंग मुझे कुछ मत बताओ अभी एम एस आर वी वी एस आर कुछ नहीं टोटल रीडिंग बताओ टोटल रीडिंग बताओ कितना है कुछ लोग बोलेंगे कुछ भी चलो जल्दी करो यार टोटल रीडिंग इतना समय लगता है क्या टाइप करने को भी यार वन पॉइंट वन सिक्स करेक्ट वन पॉइंट वन सिक्स पन दिस ऑब्जर्व रीडिंग ये कम दिखाई देती या ज्यादा दिखाई दे रही कम दिखाई दे रही है या ज्यादा दिखाई दे रही है ये कम दिखाई दे रही है है ना तो जीरो एरर तो माइनस है अपना पर वो माइनस करना पड़ता जीरो एरर तो जीरो एरर खुद माइनस है तो क्या ये माइनस माइनस प्लस होगा तो मेरा आंसर आएगा 1.23, मित्रों जर का क्वालिटी पेपर आला याचा फायदा होना रहे वरना ना समझे क्या समझे क्या अगर पेपर क्वालिटी आता है तो ही वरना ये कोई पूछेगा नहीं पर आप लोगों के दिमाग में रहना नहीं कि ये बात तो हमें सर ने पढ़ाई नहीं मनु सांगितलं हे येईलच याची आजीबात गॅरंटी नाही पॉइंट वन पर्सेंट चान्स हे निगेटिव्ह एरर वर येण्याचा पॉझिटिव्ह एरर वरती झिरो पॉईंट टू पर्सेंट चान्स आहे दहा टक्के चान्स आहे व्हर्नेर कॅलिपर वर प्रश्न विचारण्याचा पन्नास टक्के चान्स आहे एरर पर्सेंटेज वगैरे विचारण्याचा राहिलेले चाळीस टक्के चान्स आहे डायमेन्शनल अनालिसिस वरती प्रश्न विचारण्याचा तेव्हा जरी मी तुमचा एक पिरियड घेतला असेल पण तुमच्या मध्ये तुम्ही जर तुम कधी कुठं शिकवायला लागलाच बाय चान्स चान्स तुमच्या मुलांना शिकवताल नाही दुसऱ्यांना तर त्यांना हे सांगायचे तुम्ही ध्यानात ठेवताल की यस इसे बोलते पॉझिटिव्ह एरर इसे बोलते निगेटिव्ह एरर ये होताय झिरो एरर अंध दोस्तों क्या पॉजिटिव एरर निगेटिव एरर कौन सा भी एरर रहा तो माइनस ही करना है वेदर एरर पॉजिटिव और निगेटिव इट शुड ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड तो पॉजिटिव एरर माइनस करेंगे निगेटिव एरर प्लस करेंगे ऐसा है दूसरी भाषा में <laughs> है ना है क्या नहीं पीछे अगर रहा तो प्लस करेंगे आगे रहा तो माइनस खींचेंगे और वो तो दुनिया की रीत है ना कोई अगर प्रोग्रेस करता है तो उसको पीछे खींचते <laughs> है क्या नहीं और जो पीछे बैठा है उसको उसके ऊपर उड़ी मार के सामने चले जाते तो हम भी सामने चले जाएंगे जीरो के समझे <laughs> क्या पॉजिटिव रहा तो माइनस करेंगे निगेटिव रहा तो उसको प्लस करके हम जम मार के सामने चले जाएंगे हम आगे जाने की कोशिश करना है निगेटिव एरर रिपीट करा प्लीज ठीक है निगेटिव एरर पर एक रिपीट ये अपने दुसरा आज मेजरमेंट चैप्टर संपले ये है अपनी एक डिविजन की विड़ मेन स्केल के अब ये इमेजिनरी लाइन है उधर एक डिवीजन हो सकती थी पर हमारे जीरो तो है यहां पर अब ये मेरी जीरो लाइन है एक दो तीन अतः बगा अमी ये एक ये दो मान लो यार इमाम जानता अभी तीसरी लाइन ही कोइंसिड होती है ऐसा मान नहीं तीसरी ना को चौथी करेंगे नहीं यार क्या अपन भी नहीं तो दूसरी करेंगे क्या लगता ये वही वही नंबर थोड़े अच्छे रहते वही वही नंबर ना को अच्छे हाँ ये मेरे पहली लाइन ये दूसरी लाइन है पर बस दूसरी लाइन को चौथी गलत है पांचवी गलत है छठी बहुत गलत है सातवीं गलत है आठवीं गलत है गलत है दसवीं भी गलत दस मेरी क्विंसाइड डिवीजन डिविजन दो है तो जरा बताइएगा ना ऑब्जर्व रीडिंग अभी कितनी है रीडिंग तो दिखती है जीरो पॉइंट जीरो टू पर क्या ये इतना ये वाला जो जीरो पॉइंट जीरो टू मैंने ऊपर बताया है, वो है क्या इतना है कौन सा है जीरो पॉइंट जीरो टू ब्लू कलर वाला है या रेड कलर वाला है ये तो ब्लू कलर वाला है है ना पर अपना एरर रेड कलर वाला है क्या ब्लू कलर वाला है एरर कौन सा है पीछे कितना है रहना कहाँ चाहिए जीरो पर हमने कितना पीछे है ये निकाला का किती पुढ़े गेल चीव का आमला काम किगे या आम जाएरो वरती पुढे जावं लगे तर किती पुढे जावं लागेल किती पुढे जावं लागेल झिरो पॉइंट ते एट लाख रेड लाख क्रॉस करून दिस इज माय एरर आणि दॅट इज वाय इट इज निगेटिव्ह एरर इट इज निगेटिव्ह एरर अगर लाईन कोइंसाइड होती थी तो मान लो कि ये सिक्स लाइन को एक दो तीन चार पांच छह ये लाइन होती थी। मान लो ऐसा मान लो क्या बोलने को होगा? तो अब जीरो एरर डायरेक्ट बोलो निगेटिव एरर कितना सिक्स लाइन को होती थी तो डायरेक्ट जीरो एरर बोलो मुझे हाँ राइट 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 आ गए करेक्ट एकदम अरे वो जो किसी ने पूछा था उसको समझ में आ गएगा किसी ने पूछा था वो समझ में आ गया क्या जीरो पॉइंट जीरो हाँ माइनस माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर है तीर्थ ना देगा? समझ लगा रहे बाबा कोई है अभी भी जो नहीं समझाओ एवरीबडी अंडरस्टूड हाँ अरे तुमसे शीट आली तुमची पीडीएफ फॉर्मॅट मधली चेक केलाय का त्या बघा एक आहे आपली तिला पाचशे पंचवीस सांगत होती ती क्लास सुरु व्हायच्या अगोदर तिला म्हणलं पहिल्या दिवसापासून ये बाई तुझे जरी समजा तुला पाचशे पंचवीस ऐवजी पाचशे बावन्न झाले समजा मी तिला फोन करून सांगितलं होतं बाई तुझे पाचशे ऐवजी पाचशे बावन्न झाले तर तुला मी जे शिकवल त्याच्यात तुझं नुकसान तर होणार नाहीये असं तर म्हणणार नाही एन टी येतो आता शिकलीस तुझे बावन मार्क काढून घेतो आम्ही मेडिकलचा नंबर कॅन्सल करतो पण जर तू नंतर जॉईन झाली तर मी तुला गेलेला चॅप्टर शिकवणार नाही किंवा कोणीच शिकवणार नाही आता सांगा आली का पंचायत आली का पंचायत म्हणजे तुम्ही जे समजदारीपणा केलाय की के नाही बरं तुमच्याकडून पैसे घ्यायचे नाही टाइमपास चाललाय आपला सगळा मस्त आनंदी आनंद परीक्षा नाही काय नाही काय नाही सध्याला पण यायला पाहिजे होतं की नाही तिने आप ना करने के तर आपला के आता जर तीन डिशीजन लवकर नहीं घर अपना चैप्टर सुरू आता कि वे पर सर ये नहीं समझ रहा वो नहीं समझ रहा ऐसा है है ना तो दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार हम खत्म करते यहीं रुकेंगे गुड बाय गुड डे हैव अ टेक केयर ऑफ युअर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो